हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सविता एंड नलिन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक स्वीट डिश। ये है ब्रेड का मीठा। तो फ्रेंड्स, ये ब्रेड का मीठा जो है, ये ज़्यादा करके जो बनता है वो हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में शादी और फंक्शंस में बनता है, और इसको बहुत ही टेस्टी एक स्वीट डिश के रूप में माना जाता है। तो आपने शादी ब्याह में तो शायद खाया होगा। तो आज हम घर पे बना रहे हैं और आपको इसकी रेसिपी बता रहे हैं। फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ जो कि हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए चीनी, ब्रेड, दाख, काजू, बादाम, मगज, गरीगोला, सौंफ, देसी घी और फूड कलर। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स इसमें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। लेकिन चीनी और पानी से इसकी चाशनी बना के आप खाली ब्रेड भी उसमें डालेंगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम ब्रेड के छोटे स्लाइसेस करके इसको तल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड मैंने पहले ही तल के रखी है, तो अब हम इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से पीसेस करके छोटे बड़े जितने बड़े आप चाहें कर सकते हैं। मैंने करीब 1 इंच बाय 1 इंच के पीसेस इसके किए हुए हैं। तो चलिए इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। तो हमने एक भगोना ले लिया है और इसमें अब हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें चीनी की चाशनी बनाएंगे पहले। फ्रेंड्स, हम बराबर नाप का चीनी और पानी ले रहे हैं। हमने पानी 1 कप डाल दिया है, 1 कप अब इसमें चीनी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कप हमने पानी डाला है, 1 कप हमने चीनी इसमें डाल दी है। फ्रेंड्स, अब देखिए आप, ये उबाल आना शुरू हो गया है इसमें। अब हम इसको हिलाना शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको सॉरी थोड़ा बताना भूल गया था कि इसमें हमें 1 से 2 इलायची भी डाल देंगे, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसको हिलाते रहना है फ्रेंड्स। और हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, पतली चाशनी बनानी है। तार वाली बनाएंगे तो हमारी ब्रेड जो है वो इसमें अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगी, हार्ड रह जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे चीनी जो है पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसको चेक करेंगे कि कहीं हमारी तार वाली चाशनी तो नहीं बन रही है। नहीं, बिल्कुल सही, जो हमें चाहिए उसी तरह से ये तैयार हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे पतला ही रखना है और चेक करते रहना है कि तार वाली चाशनी ना बने। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा क्लोजली बताता हूँ, थोड़ा चिपचिपा रहना चाहिए बस, और तार ना बने। यही इसकी टेक्निक है फ्रेंड्स, बाकी इसमें कोई टेक्निक नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ चाशनी बनाने की ही टेक्निक है। और अब हमारी चाशनी तैयार है। ये देखिए, ये चिपचिपा होने लग गया है, कोई तार नहीं आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। फूड कलर भी ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो डालें चाहे ना डालें। लेकिन इससे क्या है कि इसकी जो कलर और टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है मीठे का। तो चलिए फ्रेंड्स, चाशनी अब हमारी तैयार है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम तड़के की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। मैंने एक छोटी कटोरी लिया है, मतलब 3 से 4 टेबलस्पून। सो फ्रेंड्स, हमारा ये घी अब गर्म हो गया। अब हम इसमें एक एक करके अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे सौंफ। इसको हमें मिन गैस पे करना है फ्रेंड्स, हमारा कुछ भी आइटम जलना नहीं चाहिए। और एक एक करके सब इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल देंगे और अच्छे से इनको भूनेंगे। बादाम और काजू आप चाहें तो रफली चॉप भी कर सकते हैं, मैंने पूरे पूरे पीस डाल दिए हैं, वो आपकी चॉइस है। ये देखिए फ्रेंड्स, सिम गैस पे है इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो जलेगी नहीं। और हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे ही हमें लगेगा कि इन आइटम्स का कलर चेंज होने लग गया है, हम इसको
अपनी चाशनी में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि हमें इसे कोई गलाना नहीं है फ्रेंड्स, ये सिर्फ हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, एक तड़का बनाना है इसका बस। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि इसमें मगज़ जो हैं वो फटने लग चुके हैं। अब हम इसमें चाशनी डाल देंगे, या चाशनी को इसमें डालें या इसे चाशनी में डालें, दोनों ही काम आप कर सकते हैं। तो हम चाशनी को इसमें डाल देंगे और फिर इसमें ब्रेड ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने चाशनी को इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें करेंगे अपनी ब्रेड को ऐड। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड इसमें डाल दी है हमने, बहुत ही सुंदर टेक्सचर। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ब्रेड को अच्छे से इसमें मिक्स होने देंगे, और ब्रेड में अच्छे से ये चाशनी जब भर जाएगी तो ब्रेड भी हमारी फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। फिर फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब ये ब्रेड करीब हमें आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़नी है, और उसके बाद मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं करीब आधा घंटा ब्रेड को हमने चाशनी में डिप रहने दिया। अब ये इस तरह से हमारा ब्रेड का मीठा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।